23 फरवरी 2021 मौसम अपडेट। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्कार नए न्यूज़ में। हम बात कर रहे हैं 23 फरवरी 2021 के मौसम के बारे में। क्या अपडेट है, कैसा मौसम सिस्टम रहेगा, कैसा रहेगा मौसम संपूर्ण देश में, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तमाम चीज़ अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। सबसे पहले जानते हैं 23 फरवरी को कैसा रहेगा मौसमी सिस्टम। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर के पास है। लक्षद्वीप और आसपास के भागों के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। एक तरफ रेखा पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक होते हुए लक्षद्वीप तक बनी हुई है। इसके अलावा एक अन्य तरफ रेखा श्रीलंका से तटीय आंध्र प्रदेश तक सक्रिय है। विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। बात करें पिछले 24 घंटों के मौसम की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी वर्षा हुई है। केरल, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पंजाब में एक दो स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा है और हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम कोहरा देखने को मिला है। बात करें आने वाले 24 घंटों के मौसम की, तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीदें हैं। दक्षिण कोंकण और गोवा, रायलसीमा, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बन सकती है। उत्तर पश्चिम मध्य भारत में दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है। तो बड़ा अपडेट है मौसम विभाग का 23 फरवरी 2021 को लेकर। वीडियो को जल्दी शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, और सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट हो।